हेलो एवरीवन, मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है हरियाली तीज। सबसे पहले आपको हरियाली तीज की ढेरों शुभकामनाएं। आज की रेसिपी भी तीज से रिलेटेड है, आटे के पुए। वैसे तो तीज पे हमारे यहाँ ढेरों पकवान बनते हैं, पर आटे के पुए जरूर बनते हैं क्योंकि इनसे माता पार्वती के लिए भोग लगाया जाता है। चलिए तो देर न करते हुए बनाते हैं आटे के पुए। पुए बनाने के लिए सबसे पहले एक चाय वाला पैन ले लेंगे। इसमें डालेंगे हम 1 कप चीनी और 1 कप ही हम इसमें पानी डालेंगे। चीनी घुलने तक इसे हम पका लेंगे। हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी, केवल चीनी घुल जाए इतना ही पकाना है। चीनी हमारी घुल चुकी है तो हम इसे ठंडा होने रख देते हैं। पुओं के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। ये हमने एक बाउल ले लिया है, इसमें हम डालेंगे 1.5 कप आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं। साथ ही डालेंगे नारियल का बुरादा 1/4 कप। इसे मिक्स कर देंगे। नारियल का बुरादा डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें नहीं तो स्किप कर सकते हैं। अगर आप नारियल का बुरादा डालेंगे तो इससे पुओ का टेस्ट बहुत क्रंची आएगा। लेते हैं चीनी वाला घोल, जो हमने चीनी गर्म करके रखी थी, इसे मैं छान कर डालूँगी। इसमें जो भी गंदगी होगी वो छलने में निकल आएगी। इसे मिक्स कर लेते हैं। इसी तरह से हम चीनी वाले घोल को थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करते रहेंगे। चीनी वाला सारा घोल डालने के बाद भी हमारा बैटर गाढ़ा है, इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। इसे हम खूब अच्छे से फेंटेंगे। बैटर को अच्छे से फेंटना है। आप जितना अच्छा बैटर को फेंटेंगे उतने ही फूले फूले आपके पुए बनेंगे। यही है राज फूले फूले पुए बनने का। बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी रहनी चाहिए। इसे हम थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे। चलिए तो अब देख लेते हैं, इसे हम थोड़ी देर और फेंट लेंगे। ये देखिए गाइस, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी रहनी चाहिए, ना इससे ज़्यादा गाढ़ी और ना ही पतली। इधर हमने गैस पे कढ़ाई में तेल भी गर्म होने रख दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें थोड़ा बैटर डालकर देख लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमारा बैटर ऊपर को उठकर आ रहा है, तो हमारा तेल बिल्कुल सही गर्म है। चलिए तो अब हम इसमें पुए डाल देते हैं। पुए हम चमचे से डालेंगे। ये देखिए गाइस, बैटर अपने आप शेप ले रहा है। ये देखिए पुए ऊपर उठने लगे हैं और धीरे धीरे फूलने भी लगे हैं। पुए इतने फूले हैं कि इन्हें पलटना भी मुश्किल हो रहा है। बिना सोडा डाले हमारे पुए कितने अच्छे फूले हैं। अगर आप बैटर को अच्छे से फेंटेंगे तो आपके पुए भी बिल्कुल इसी तरह से फूलेंगे। पुए को अलट पलट कर अच्छे से सेकना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाएं, कच्चे ना रहें। पुए अच्छे से सिक चुके हैं, इनके कलर को देखकर ही पता लग रहा है। चलिए तो निकाल लेते हैं। पुओं को निकाल कर हम टिश्यू पेपर पर रख लेंगे। इसी तरह से मैं एक पुआ और आपको डालकर दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, इसे पलट देंगे। अब मैं आपको हाथ से बनाकर दिखाऊंगी पुए। हाथ से इस तरह से डाल लें। अगर बैटर सही है तो पुए अपने आप शेप ले लेंगे। गाइज, ये पुए भी हमारे बहुत अच्छे से फूल रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पानी पूरे जैसे लग रहे हैं। इन्हें भी हम अलट पलट के अच्छे से सेक लेंगे। इसी तरह से हम सारे पुए बनाकर तैयार कर लेंगे।
ये लीजिए तीज स्पेशल हमारे आटे पुए बनकर तैयार हैं। देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने फूले फूले बने हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। गाइस, मैंने दो टाइप के पुए बनाए हैं, ये छोटे वाले भी पुए बनाए हैं जो हाथ से डालते हैं। देखिए कितने फूले फूले बने हैं। आपको जैसे भी पुए पसंद हो वैसे ही बना लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं इसी तरह की और नई रेसिपी के साथ।